day without laughter is a day wasted. ये सुंदर विचार इंग्लिश कॉमिक एक्टर, फिल्म मेकर और कंपोजर सर चार्ल्स स्पेंसर के हैं, जिन्हें आप और हम चार्ली चैपलिन के नाम से जानते हैं, जिनकी अदायगी से, जिनकी कलाकारी से हम हमेशा हंसते आए हैं। और हाँ, वो बात और है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, पर ये कम लोग जानते हैं कि दूसरे चार्ली चैपलिन का जन्म 1979 बिहार में हो चुका है। भारत देश में भी एक ऐसा हीरो है जो चार्ली चैपलिन 2 के नाम से जाने जाते हैं, आज पूरी दुनिया में फेमस है। आप हैं हीरो राजन कुमार, जिन्होंने अब तक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। राजन बिहार के एक साधारण परिवार से हैं और उनके पिता किसान हैं। देश और समाज के लिए हमेशा कुछ कर गुजरने की इनमें जो एक ललक सी रहती है ना, वो शायद उनके बाबा के कारण है, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। किसी भी साधारण परिवार की तरह राजन के माता पिता भी यही चाहते थे कि राजन आगे पढ़ें लिखें और आगे चलकर डॉक्टर या इंजीनियर बने। पर कहाँ, उनको तो हमेशा से बंदर का नाच और गांव की मंडली में जो अभिनय करने में जो उन्हें सबसे ज़्यादा मज़ा आता था और आनंद आता था। शायद यही वजह है कि राजन ने ये छुटपन में तय कर लिया था कि वो तो बस एक्टिंग की दुनिया में ही प्रवेश करेंगे। अभिनय में निखार लाने के लिए उन्होंने अपने गुरु पद्म विभूषित सत्यदेव दुबे का सानिध्य लिया और इस तरह वे थिएटर, टेलीविजन और सिनेमा में उन्होंने प्रवेश किया। राजन कुमार का नाम चार्ली चैपलिन 2 क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक बड़ी रोचक कहानी है। इससे पहले हम आपको ये बताएं कि राजन कुमार कब और कैसे चार्ली चैपलिन 2 के नाम से जाने जाने लगे या फेमस हो गए। आइए आपको मिलवाते हैं सुप्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर पवन अग्रवाल से। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन अग्रवाल, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर। मैं आज उस महान अभिनेता के बारे में अपनी राय देना चाहता हूं जो पूरे विश्व में वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बोलिए, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड बोलिए, पता नहीं किस किस सम्मान से उनको सराहा गया है, वो यानी हीरो राजन कुमार चार्ली चैपलिन 2, जिन्होंने अपने हाव हाव से, एक्सप्रेशन से लोगों को हंसाया, चार्ली चैपलिन को आज भी जिंदा रखा, कई फिल्मों में नेता, अभिनेता, दिग्दर्शक किया। अभी भी उनकी नमस्ते बिहार फिल्म बनी थी, रोड सेफ्टी पेट्रोल के मार्गदर्शक के रूप में पूरे भारत में उन्होंने लहरिया कट शॉर्ट फिल्म बनाई और पूरे विश्व में नाम है। इतने अच्छे अभिनेता के बारे में मैं क्या बोलूं, मेरे बहुत अजीज दोस्त है। दोस्तों ऐसे अभिनेता पूरे विश्व में एक इलेक्शन आइकॉन के रूप में उभरते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, चाहे कोरोना की हो, महामारी की हो या कोई परिस्थिति हो, विपरीत परिस्थिति में हंसाने का काम, हौसला अफजाई देने का काम कौन करते हैं, राजन कुमार। उनको मेरा बहुत बहुत नमन, शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू। जी हाँ, यही खूबी है हमारे राजन कुमार में कि विपरीत हालात में भी लोगों को हंसाना जानते हैं। इस बार हीरो राजन कुमार ने चार्ली चैपलिन की जयंती के अवसर पर कोरोना के प्रति जागरूकता पैदा करने वाला एक ऐसा कार्यक्रम किया जिसमें उन्होंने 55 फीट लंबा खादी का एंटी कोरोना मास्क बनाया और इस पर चार्ली की तस्वीर भी थी। और विशेष बात ये हुई कि इस मास्क का प्रदर्शन उन्होंने मुंबई में ऐसी जगह किया जहां दाह संस्कार होता है। बिना एक शब्द बोले उनका ये 55 फीट कोरोना मास्क बहुत कुछ कह गया। चार्ली चैपलिन 2 ये नामकरण कब और कैसे हुआ, इसकी भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग किस्सा है। ये उस दौर का समय था जब राजन स्ट्रगल कर रहे थे, शुरुआती दौर था और राजन
कि एक मित्र का रेस्टोरेंट खुलने वाला था, तो वो चाहते थे कि किसी ड्रामेटिक अंदाज में उसके पैम्फलेट बांटे जाए। तो राजन को आइडिया आया, उन्होंने कहा क्यों ना इस बार चार्ली चैपलिन के गेटअप में पैम्फलेट बांटे। तो उनको ये आइडिया अच्छा लगा और उन्होंने हामी भर दी। बस फिर क्या था, सड़क के बीचों बीच सिग्नल पर खड़े होकर पूरे गेटअप में राजन चार्ली चैपलिन की ड्रेस में आए और बस उन्होंने पैम्फलेट बांटना शुरू किया। फिर क्या था, जितने भी बच्चे जितने भी लोग आते जाते थे वो उन्हें चार्ली चार्ली कह के वेव करने लगे, कोई हाय कोई बाय कहने लगा, और बहुत से लोग तो जाते जाते अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए बोले, हम समारोह में तुम्हें बुलाएंगे, आना जरूर चार्ली। बस उसी दिन उनका चार्ली चैपलिन 2 नामकरण हो गया। एजेंट विनोद और बंटी बबली जैसी प्रचलित फिल्मों में काम करने वाले अमेरिकन एक्टर जी ब्रैंडन हिल ने हमें राजन कुमार चार्ली चैपलिन 2 के बारे में कुछ ऐसी राज की बातें बताई कि बहुत कम लोग जानते हैं। वो राज आइए उन्हीं से सुनते हैं। जय दोस्तों, मेरा नाम जे ब्रैंडन हिल है और राजन कुमार मेरे दोस्त है, एंड आई हैव बीन आस्क्ड टू स्पीक अबाउट हिम, सो स्पीक आई विल। नाउ आई वाज मेंशन्ड टू मी दैट परहैप्स I have some secrets about him, or stuff about him that nobody knows, and in fact, I do. Okay, it's just us, so I'll tell you. Come a little closer. A little closer. Okay, here it is. Rajan Kumar is not a human being. Yes, it's true. I've seen him perform as Charlie too many times, and his body moves in a way that people's bodies cannot move. Also, come to think of it, I don't think I've ever seen him eat. No, I'm just kidding. Of course, Rajan's human. As a matter of fact, he's the most human, most humane person I've ever met. We frequently go to NGOs, functions, and you know, benefit functions to help NGOs and other organizations that help people. And he invites me because he's in touch with these people. He's got his finger on the pulse of people who need help. And I'm happy to help him any way I can. He's great here in Mumbai, and he's a legend in his hometown in Bihar, where he's loved by everybody in the state because he goes up there as often as he can and helps people out and guides people through the pandemic. He's a role model for everybody. I wish I could be like him. I'm going to try to be like him after lockdown. Actually, maybe I'll replace him. Of course I can't, because nobody can replace Rajan Kumar. But I do hope to work with him more. I mean, we perform, you know, frequently on stage together informally at these functions. But I hope to formalize a performing relationship with him, because we have great chemistry and he's a great person, a generous person to work with. And he's generous in all phases of his life. I love the guy. Everybody who knows him loves the guy, and everybody who doesn't know him, well, you're missing out on something. So I suggest you go out and get to know Rajan Kumar. In the meantime, I'm going to go now because there's a helicopter passing overhead, and I really don't feel like shooting this again. So, bye everybody. Good luck. Maybe that's Rajan right now in a helicopter, I don't know. Probably on his way to helping people. Okay, so goodbye. Good luck to you, good luck to me, good luck to Rajan. Good luck to everybody. Dear Menenge. ऐसे हैं अपने हीरो राजन कुमार, जिन्हें रोल मॉडल बहुत लोग मानते हैं, और जे ब्रैंडन हिल जैसे लोग उन्हें, या यूं कहें उनकी तरह बनना चाहते हैं। क्या बात है। राजन कुमार बहुत कम उम्र में मुंबई पहुंच गए थे एक्टर बनने के लिए, पर बहुत जल्दी उन्हें ये एहसास हुआ कि अच्छी शैक्षिक पृष्ठभूमि के बिना कोई भी उन बुलंदियों तक नहीं पहुंच सकता, और ये बात उन्होंने बहुत कम उम्र में समझ ली थी, इसलिए वो वापस लौटे। फिर पद्मश्री नेपाली महतो के संरक्षण में छऊ में गुरुकुल शैली में प्रॉपर ट्रेनिंग ली, डिप्लोमा किया, और मात्र 16 साल की उम्र में
छऊ डांस के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसके बाद हीरो राजन कुमार ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। टेलीविजन पर उन्होंने बहुत सारे सीरियल्स किए, जैसे ये हवाएं, हीरो, लापता गंज, चिड़ियाघर और सीआईडी जैसे कई सीरियल्स में अपना अभिनय का जलवा दिखाया है। रियल लाइफ में हीरो राजन कुमार सच में हीरो हैं, और इसका एक उदाहरण आपको रियल इंसिडेंट सुनाती हूँ। एक बार चार्ली चैपलिन का परफॉर्मेंस हो रहा था और शायद आगरा के किसी 5-star होटल में वो परफॉर्मेंस दे रहे थे चार्ली चैपलिन का। और जब परफॉर्मेंस दे चुके तो वो बाहर आए और बाहर एक स्विमिंग पूल में एक बच्ची नहा रही थी, और एकदम से उनकी नज़र पड़ी तो वो ऐसा लगा कि वो बच्ची पानी में गिर गई और डूबने लगी। पर जैसे ही इनकी नज़र पड़ी, जब तक लोग समझे, इन्होंने चार्ली चैपलिन की ड्रेस में जोरों से छलांग लगाई, एक हीरो की तरह एंट्री मारी स्विमिंग पूल में और उस बच्ची को बचाकर ऊपर ले आए बिना कुछ सोचे समझे। इसे कहते हैं रियल हीरो, और हिंदी फिल्मों की तरह उन्होंने एंट्री मारी और बच्ची को बचा के लाए। और अब आपको बताएं कि वो बच्ची आज एक लॉयर है जो कि हाई कोर्ट दिल्ली में प्रैक्टिस करती है। यही नहीं, इस चीज के लिए उन्हें शूरवीर खिताब से भी सम्मानित किया जा चुका है। यहाँ तक कि हिंदी सिनेमा के सीनियर एक्शन डायरेक्टर, एक्टर, स्टोरी राइटर और प्रोड्यूसर टीनू वर्मा जी भी कुछ यूं कहते हैं उनके बारे में। राजन जी एक अच्छे कलाकार के साथ एक अच्छे इंसान भी है, अच्छे एक्टर भी तो है ही, वो अच्छे इंसान के साथ अच्छे डायरेक्टर है, अच्छे प्रोड्यूसर है। और मैंने जितने मेरी ज़िंदगी में मेरा नाम शोहरत और मैंने जितना मेहनत करके अपने आप को एक मुकाम तक ले गया है, मैं अपनी तरफ से राजन जी को मेरे आगे ऑलवेज पाता हूँ, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी वेरी गुड एक्टर, वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, वेरी गुड प्रोड्यूसर। हेड्स ऑफ राजन जी, आई सैल्यूट यू, ऑल माई बेस्ट विशेस टू यू राजन जी, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। चार्ली चैपलिन के परफॉर्मेंस में यू आर द बेस्ट थे, है, रहेंगे। वाह, जब हिंदी फिल्मों के जाने माने सीनियर एक्शन डायरेक्टर टीनू वर्मा जैसे लोग हमारे हीरो राजन को सल्यूट करते हैं ना, तो भाई मानना पड़ेगा हमारे चार्ली चैपलिन 2 में कोई तो बात है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी राजन कुमार एक्टर के अलावा एक अच्छे राइटर भी हैं, और उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं बच्चों के लिए। उनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म नमस्ते बिहार एक एंटरटेनिंग फिल्म तो है ही, पर साथ ही ये धर्म, विद्या, दर्शन और मोक्ष की धरती बिहार पर आधारित है, जो हम दर्शकों को एक मैसेज भी देती है। राजन कुमार जी ने एक और लघु फिल्म बनाई है जो कि 8 मिनट की है, लहरिया कट। ये फिल्म मुंगेर में घटी एक सत्य घटना पर आधारित है और जिसका डायरेक्शन शशिकांत गुप्ता जी ने किया है। वहीं उनकी शॉर्ट फिल्म बबल गम ने कान फिल्म फेस्टिवल और बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में खूब धूम मचाई है। मुंगेर के एक छोटे से नक्सल प्रभावित गांव में पले बड़े हमारे चार्ली चैपलिन 2 के नाम से चर्चित राजन कुमार को वर्षों तक संघर्ष का सामना करना पड़ा, पर उनकी विशेष बात यह है कि कभी भी काम के अभाव या पैसे का अभाव या कोई भी दिक्कत हो या कोई भी मुश्किल हो, वो कभी भी किसी भी बात से विचलित नहीं होते हैं, बल्कि हम यूँ कह सकते हैं कि पूरी तन्मयता के साथ वो चार्ली चैपलिन का परफॉर्मेंस देते हैं और लोगों का मनोरंजन करते हैं। कहते हैं सही मायने में इंसान की असली पहचान वही है जब आपको ये पता चले कि पीठ पीछे लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। तो जानते हैं कि राजन कुमार जी के बारे में अफसाना परवीन, जो पहचान फाउंडेशन की प्रेसिडेंट भी हैं, क्या कह रही हैं।
चार्ली चैपलिन, जो कि बच्चों में ये नाम ही काफ़ी होता है उनके चेहरे पर स्माइल लाने के लिए, तो रियल में जब चार्ली चैपलिन उनके बीच में जाते हैं तो बच्चों में एक अलग सी उमंग होती है, और इस चीज़ का पहचान ने एक्चुअली नोटिस किया। और मैक्सिमम वो जब बच्चों के बीच में आते हैं हमारे क्लास पे बच्चों से मिलने के लिए तो बहुत ही अच्छा माहौल हो जाता है। माई बेस्ट विशेज फॉर हिम ऑलवेज एंड फॉर एवर। बौद्धिक संपदा वाली धरती में जन्मे हीरो राजन कुमार आज चार्ली चैपलिन 2 के नाम से पूरे विश्व में प्रचलित हैं। यही नहीं, उन्होंने 15,000 से अधिक घंटों का शो बनाने का रिकॉर्ड भी स्थापित किया है। राजन हमेशा दूसरों की सहायता के लिए हमेशा आगे आते हैं, उनकी मदद करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसे में मुझे भगवान बुद्ध की वही पंक्तियाँ याद आ रही हैं, जैसे कि उन्होंने कहा था कि अगर आप दूसरों के लिए दिया जलाते हैं तो ये आपके रास्ते को भी रोशन कर देते हैं। और इन पंक्तियों में सच में ये बिल्कुल सच्चाई दिखाई दे रही है, खासकर जब हम राजन की बात कर रहे हैं। 15,000 घंटों से अधिक शो को परफॉर्म करना ये इतना आसान काम नहीं है, और इसके लिए ज़रूरी है आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस, और ये तभी आता है जब आप तन से मन से बिल्कुल फिट हैं और स्वस्थ हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप क्या करते हैं, और राजन जी क्या करते हैं ये अगर आप इनके मुंह से सुनेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप हैं योग नगरी मुंगेर के योग गुरु स्वामी रंजन जी महाराज, जिन्हें योग आइकन अवार्ड 2019 में सम्मानित किया गया है। स्वामी रंजन जी महाराज राजन जी के बारे में क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हरिओम तत्सत। मैं योग गुरु स्वामी रंजन आपसे आज विशेष वार्तालाप के लिए आया हूँ। योग जीवन जीने की कला है, और यह कला जिसने भी अपने जीवन में उतारा है, जिसने भी अपने आप को योग से जोड़ा है, उसका जीवन महानता की ओर बढ़ता गया है। मुंगेर की धरती योग से जुड़ी हुई है, और ऐसे ही एक सितारा जो मुंगेर से निकल कर के अपने जीवन को योगमय बनाते हुए मुंबई की पावन धारा पे अपना परचम लहरा रहा है। योग सबके लिए उपयोगी है, सबके लिए ज़रूरी है, और ऐसा ही एक मुंगेर का लाल है, हीरो राजन कुमार। राजन कुमार मेरा छोटा भाई जैसा है, मेरा छोटा भाई है, और मेरे सानिध्य में उन्होंने अपने आप को योग से जोड़ा। योग का निरंतर अभ्यास उन्होंने किया और अपने जीवन में योग को आत्मसात किया। योग से न केवल उनका जीवन महान हुआ, उनके संपर्क में आने वाले कई व्यक्तियों का जीवन महान हुआ, और इस धरती से उभर करके आज मुंबई की फिल्म नगरी में अपना एक स्थान उन्होंने स्थापित किया, और चार्ली का किरदार उन्होंने अपने अंदर इतना बखूबी से निभाया कि वे पूरे विश्व में चार्ली 2 के नाम से मशहूर हो गए। मैं राजन कुमार को इस प्रगति के लिए, महानता के लिए, सफलता के लिए आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इसी तरह से मुंगेर का नाम रोशन पूरे विश्व में कीजिए, और मुंगेर की इस धरती से
और लोगों को जोड़िए और अपना, अपने परिवार का और पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन कीजिए। इन्हीं शुभकामना के साथ मैं राजन कुमार जी को धन्यवाद देता हूँ। हरि ओम तत्सत। सबका हित हो, सदैव दूसरों की सहायता करना, सबका मनोरंजन करना, यही तो जीवन है हमारे हीरो राजन कुमार का। क्योंकि सही मायने में यही राष्ट्र प्रेम है, यही राष्ट्रभक्ति है, यही राष्ट्र सेवा है। जय हिंद। नहीं दी जाती है परिंदों को उड़ानों की, वो खुद तय करते हैं ऊंचाई आसमानों की, और रखते हैं जो हौसला आसमान को छूने का, वो नहीं करते परवाह जमीन पर गिर जाने की। क्या बात।